हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई केमिस्ट्री 12th क्लास का सैंपल पेपर जो आपका 23-24 ईयर का है। अब यहाँ पर देखिए, ये काफी पहले आपको मिल भी चुका होगा। अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। देखिए, इसके अंदर टोटल 33 क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है 33 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है आपका सेक्शन जो वन है, सेक्शन ए जो है, इसके अंदर आपके 16 एमसीक्यूज हैं, यही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप देखते हैं तो सेक्शन ए जो है इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के एमसीक्यू दिए हुए हैं। सो देयर इज नो इंटरनल चॉइस, कोई इंटरनल चॉइस एमसीक्यू के अंदर तो नहीं दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। इनमें से सॉल्यूशंस जो है उनमें से किसकी सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी रहेगी 298 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो हाईएस्ट पूछा है और कंडक्टिविटी पूछा है। अब कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन के अंदर, एक तो आपका HCl है, HCl है, CH3COOH है, और नेक्स्ट क्या है, CH3COOH है। मतलब दो ही तरह के सोल्यूशन है, और इसके आगे जो भी लिखा है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो पहले तो ऑप्शन में दो चीजें हुई, या तो HCl या फिर CH3COOH, तो या तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर एसिटिक एसिड होगा। अब दोनों में से आपको पता ही है कि जो आपका HCl हो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि आपका जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड वाला तो ऑप्शन कट गया, रेड पेन से यहाँ पर इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब बचा आपके पास में क्या, HCl और HCl, ये दो ही ऑप्शन आपके पास है, बचते हैं। अब एक इसमें से है आपका 0.01 मोलर और एक है आपका 0.1 मोलर, ठीक है। अब दोनों में से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, भाई उसी के आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, डाइल्यूशन करने पे आपकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है रेदर देन 0.01 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कंडक्टिविटी है अब वो हाईएस्ट किसकी रहेगी, 0.1 मोलर की HCl सॉल्यूशन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ऐसे करके हम देखते हैं क्या इसके अंदर ऑप्शंस। अब देखिए, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, इसके अंदर आपसे पूछा है ए प्लस बी। ए और बी जो है वो आपकी रिएक्टेंट्स है। इसके अंदर, इसके अंदर हमने डाला है डाइल्यूट NaOH और आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। अब इसने कहा आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, यहाँ पे आपको रिएक्शन बस ध्यान देनी है। देखो, दो बेंजीन वाली रिंग है, बीच में डबल बॉन्ड आया है और एक बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इतना तो हमें दिख रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, फिनाइल इथेनल एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है, ये आपकी हो जाएगी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बेंजीन रिंग है, पूरा मैं आपको रिएक्शन करके ही दिखा देती हूँ एक तरीके से। तो ये एक तरह की बेंजीन रिंग है आपके पास में, ठीक है। आप इस साइड से जोड़ लेते हैं, कहीं से भी आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपके पास में है CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपके पास में है CO और इससे अटैच्ड है सेकेंड बेंजीन रिंग, ठीक है, इस तरीके का मिला है। अब इससे जब आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा तो वो किस चीज से मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन से, इन दोनों से मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा इन दोनों से, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड अगर आप लेते हो, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसके ऊपर CHO इस तरीके से मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटोफिनोन, अब यहां से क्या होगा इसके अंदर, आप देखिए रिएक्शन के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे है आपके पास में डाइल्यूट NaOH, ठीक है, NaOH है।
तो यहाँ पे हमारे पास में डाइल्यूट NaOH की है, तो यहां से ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस वाले स्ट्रक्चर का कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेंजीन, इसके ऊपर आपका C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, और आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा CH2 विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किस, इस कार्बोनिल के ऊपर, क्योंकि ये आपको पता ही है ये डेल नेगेटिव है और डेल पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, आपको इसके अंदर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, तो सिर्फ ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है, बस ऑप्शन पता होना चाहिए आपको। तो ये वाला कार्बोनिल देखो कैसा हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा O माइनस, ठीक है, एच इसके पास में था ही, और यहां से आपके पास में क्या जुड़ेगा CH2 नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका जुड़ेगा CH2 नेगेटिव चार्ज, तो हट ही जाएगा इसके पास में से, इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बना लेगा। यहां से इसके पास में है कार्बोनिल, कार्बोनिल और एक है आपके पास में ये बेंजीन रिंग, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जो एच है वो यहां पे आ जाएगा, एच यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ओ एच। यहां पे आप इसमें कर दीजिए माइनस H2O, हीटिंग हीटिंग कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया है CH, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया आपका CH, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड CH2 CO और फिर एक आ जाएगी बेंजीन रिंग। अगर वैसे हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो ये इस तरीके से दिखेगा। यहां पर मैं इसको कर दे रही हूं, तो ये आपकी बेंजीन रिंग थी, यहां पे आपके पास में देखिए C डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपके पास में OH है। अगर आप इसमें से माइनस H2O कर देंगे पानी निकल जाएगा, यहां से H और यहां से दो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो दो हाइड्रोजन है ना इसके पास में, तो दो एच यहाँ से जाएंगी, एक यहाँ पे आपका ऑक्सीजन चले जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन चले जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वही आपका पास में रिजल्टेंट आंसर है। तो ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इस जगह पे, और ये इस तरीके से बनेगी एक और बेंजीन रिंग। यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्ड एज इट इज रहने देना है, तो शॉर्टकट इसका होता ही है, बस प्रोसीजर में इस तरीके से रिएक्शन देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो इसका प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके का है रिएक्शन होने का। यही वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसी से आपको रिएक्टेंट बताना था। तो रिएक्टेंट देखो क्या रहा होगा, यहां से आपके पास में क्या आ रहा था, देखो एक तो आपके पास में इस बेंजीन के ऊपर CHO था, ठीक है, और दूसरे बेंजीन के ऊपर CO CH3 था। तो एक जगह से ऑक्सीजन जाता है, दूसरी जगह से दो हाइड्रोजन जाते हैं, बाकी बीच में जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वही आपका प्रोडक्ट होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर सी हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट आपको देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है विटामिन्स विच आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अच्छा, इसमें दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल होता है KEDA, इसके अलावा जो भी है वो वाटर सॉल्युबल। तो देखिए के नहीं, ये वाला नहीं है, इसमें है KEDA। जो फैट सॉल्युबल होगा वही आपका बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, जो वाटर सॉल्युबल है वो स्टोर नहीं रह सकता बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बस डायरेक्ट नहीं पूछा है, इस तरीके से पूछा है कि स्टोर कौन सा हो सकता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ है इसके अंदर दिया हुआ है आयुपेक नेम आपको बताना है किसका, कीटोन ए का, विच अंडरगोस आइडोफोम रिएक्शन, ठीक है, टू गिव दिस प्रोडक्ट। आइडोफोम रिएक्शन हो रहा है, इस चीज को मैं एक बार बता देती हूँ। देखो आगे जो भी चीज लिखी हो, CH3 लिखा है, CH डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर CH3 है, और इसके बाद में क्या है COONa है ना, तो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ये मिला है, और येलो प्रेसिपिटेट CHI3 का मिलेगा आइडोफोम रिएक्शन के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आपको मिला क्या है, ये प्रोडक्ट मिला है। तो जो भी आपके पास में आगे R लिखा हुआ है, ये मैं पूरे को R लिख दूं इस चीज को, देखो जो भी R लिखा हुआ है इसके साथ में आपके पास में क्या है C- और Na+ ये चीज मिली है। तो बस कुछ नहीं रहा होगा, जो कीटोन ए रहा होगा वो यहाँ पे बस COCH3 रहा होगा, COONa की जगह पर क्या रहा होगा
CO CH3 रहा होगा, दैट्स इट। वही जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है। आप इसको लिख के देख सकते हो, जैसे कि आपको ये मिला है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप क्या करो COONA की जगह पे COCH3 लगा दो और उसका आयोपैक नेम देख लो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, फिर CH3, ठीक है, और फिर है आपके पास में COONA, ये दिया है। इसमें आप क्या करिए भाई, COCH3 बना दीजिए इस चीज को, यही आपका कीटोन रहा होगा, COCH3 ये वाला कीटोन रहा है, वो जो ए कीटोन है। अब इसका आयुपैक नेम पूछ रहा है, सिंपल यही चीज है, तो बस इसका आयुपैक नेम बता दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख देते हैं COOCH3, ठीक है, नेमिंग कर दीजिए आप इस चीज की बस। जो है अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हो जाएगी इसकी 1, ये वाला कार्बन 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देख लो कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, 3-methyl-pent, 3-methyl-but-pent, ब्यूट तो है ही नहीं, काट दो, 2-3-dimethyl, 2 और 3 पे डाइमिथाइल ये भी नहीं है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। देखो 3-methyl-pent, 3-2-on, तो सिर्फ डिफरेंस कितना है, 3-methyl-pent, 3-methyl-pent, 3-in इसमें लिखा है तो ये वाला सही है, इसके अंदर नहीं लिखा है तो ये वाला गलत हो गया है, तो 4 पे ओन नहीं है, 2 पे है। देखो 3-methyl-pent, 3-pe-in, 2-pe-on, तो यहाँ पे है 3-pe-methyl, पेंटेन है क्योंकि पेंट हो गया है, ठीक है, और 2-pe-on है, बस यही तो है इसका नेमिंग, और किस तरीके से करेंगे, तो ये आपका आयुपैक नेमिंग हो गया। अब इसके नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इन हेलोवेरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन, तो होते हैं हेलोवेरिन्स के अंदर, हेलो एरिन का मतलब क्या है, एक अरिन मतलब बेंजीन रिंग हो गई जिस तरीके से। अब हेलो मतलब कि कोई भी हेलोजन लगा है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हेलोजन एटम के पास में है वो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन में होते हैं पूरी रिंग के अंदर, यही चीज कही है तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में देखिए कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट नॉन पोलर इन नेचर है, नहीं पोलर होता है जो कार्बन मैग्नीशियम जो आपका बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे आप डेल नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा और मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो डेल पॉजिटिव, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है, जो करेक्ट नहीं है, वो यही वाली स्टेटमेंट हो जाएगी बी, ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक का ही आंसर देना था इसके अंदर हमें। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 6 पार्ट के अंदर इसने कहा है लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल जो नहीं फॉर्म करता कलर्ड कॉम्प्लेक्स, तो पी क्यू आर एस ऑप्शन में आपको 4 दिए हैं, बताना सिर्फ 3 का ही है, मतलब एक का तो आंसर इसमें से नहीं होगा, एक ऑप्शन के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कौन सा शो करता है, मैंगनीज शो करता है, ये इस तरीके से मैंगनीज शो करता है आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेकेंड वाला जो है वो क्यू के साथ मैच होना चाहिए, तो देखो सेकेंड के साथ में एस है काट दो, सेकेंड के साथ में आर है काट दो, ठीक है, सेकेंड के साथ में क्यू, क्यू है, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन है अभी। नेक्स्ट देख लो उसके अंदर लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी जिंक की, तो फर्स्ट वाले के साथ में आर है, तो यानी कि यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट जो इसके अंदर बचा था ट्रांजिशन मेटल जो कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है वो होता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम इसके अंदर किसी भी आंसर के अंदर नहीं आना था, ठीक है, तो जिंक जो है उसका लो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D और 4s, ऐसे ही आपका मैग्नीस है इसमें आपका हो जाएगा 4s2 3d5 है, तो ये आपकी 3 और 5 और 2 7, तो आपकी +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यही रीजन है बस। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अब सही कौन सी है ये स्टेटमेंट आपको बतानी है। मॉलिक्यूलरिटी आपकी जो है 0 और फ्रैक्शन हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस,
मोलिकुलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मोलिकुलरिटी किसके लिए है, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। तो बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स एक ही साथ में रहेंगे तो वहां मोलिकुलरिटी का कोई काम नहीं है, ऑर्डर आप बता सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट आपको दिए हुए हैं, C4H8 तो आपके पास में आगे लिखा है और इसके आगे लिखा है आपके पास में NH3+ और X-, ये आपका आयनिक फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, इज सॉल्युबल, इनमें से कौन सा जो है वो इसके अंदर सॉल्युबल रहेगा। तो देखिए आपके पास में ब्रोमीन वाटर है, ईथर एसीटोन, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर के अंदर सॉल्युबल, वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है, आराम से सॉल्युबल रहेगा, जबकि ईथर और एसीटोन जो है वो कंपैरेटिवली वाटर के इतना पोलर नहीं रहेंगे जितना वाटर है, तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाई 2-phenyl इथेनॉल विद ल्यूकास रिएजेंट, आपने पढ़ा होगा ल्यूकास रिएजेंट के बारे में, ये आपका जो टर्शरी है उसके साथ में सबसे जल्दी टर्बिडिटी दे देता है, सेकेंडरी के साथ में थोड़ी देर में देगा, प्राइमरी के साथ में लगभग देगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया है इसने, 2-phenyl इथेनॉल। ठीक है, अब देखिए आपका जो इथेनॉल है वो किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसी के अकॉर्डिंग ना आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो 2 पे फिनाइल है और इथेनॉल है, देखिए जब इथेनॉल अगर हम बनाते हैं तो इथेनॉल कैसा होता है, CH3CH2OH, 1, 2, और 2 पे क्या है, फिनाइल रिंग है, मतलब यहां पे भी CH2 रहेगा और यहां पे क्या जुड़ी हुई है, फिनाइल रिंग, यहां पे मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर CH2CH2OH है। अब देखो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में ये क्या देगा, अब देखो यहां पे जो कार्बन OH से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा है, ये प्राइमरी है, और प्राइमरी क्या देगा, कोई रिजल्ट इस तरीके से नहीं देगा। तो ऑब्जर्वेशन अब आपको बतानी है, तो टर्बिडिटी आएगी या नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए टर्बिडिटी, तो जहां भी लिखा हो कि टर्बिडिटी नहीं है वही आपका आंसर है। टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आएगी, नहीं, टर्बिडिटी ऑब्जर्व इमीडिएटली हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, टर्बिडिटी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर, लेकिन नहीं आएगी टर्बिडिटी क्योंकि प्राइमरी है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इससे आगे देखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की है 1.5 मोलर, 120 सेकंड बाद में कॉन्सेंट्रेशन 0.75 मोलर। ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन का है क्या, अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ओके, दोनों आपको दे रखे हैं, सब कुछ तो दे रखा है, इसमें करना गया है, तो ये आपको सब कुछ दिया हुआ है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, देखो टाइम दे दिया इनिशियल बाद वाली, तो अगर आपके पास में कोई भी इस तरीके से है, इसका जो ए नॉट आपको दिया है इनिशियली 1.5 मोलर्स, आपको दिया है 120 सेकेंड्स, और ए इसके बाद में कितना हो जा रहा है 0.75 मोलर, यही है। अब आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है, तो के फॉर जीरो ऑर्डर हो जाएगा ए नॉट जो है आपका माइनस का ए डिवाइड बाई टी, दैट्स इट, ये चीज है बस। अब इसके अंदर सिंपली वैल्यूज को पुट कर रही हूं मैं, ठीक है, देखो 1.5 माइनस 0.75 डिवाइड बाई ये कितना है 120, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की। अब सॉल्व करोगे ना आप तो 0.00625 ही आएगा, ठीक है, तो 0.00625 आएगा। अब आगे वाली वैल्यू 2 में दी हुई है, लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है पर सेकेंड। अब देखो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आपको बहुत ध्यान से आंसर को टिक लगाना होता है, ये नहीं 0.00625 दिखा इस पर टिक, आपको देखना है 2 आंसर दिए हैं एक जैसे लेकिन इनकी यूनिट्स में डिफरेंस है, तो जिसकी यूनिट वही होगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की उसी पे आपको टिक लगाना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका एनी सोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इथेनॉइक
ये तो आपका पूरा बुक वाला उठा के दिया हुआ है क्वेश्चन, बुक के अंदर ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी. एनी सोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड के साथ में इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन थ्री ब्रोमाइड कैटलिस्ट. एफईबीआर थ्री जो है वो आपका कैटलिस्ट है, उसके बिना भी आपका ब्रोमिनेशन दे देता है कौन, एनी सोल. तो ये आपकी रिएक्शन है ड्यू टू द एक्टिवेशन, बस यही है इसका आंसर. डायरेक्ट लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर ये. इसके अंदर जो है ब्रोमीन डाला हुआ है, इथेनोइक एसिड है, ठीक है. इथेनोइक एसिड जैसे ही आप डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पैरा पे मिल जाएगा ब्रोमीन. ओ सी एच थ्री है, यहाँ पे लग जाएगा आपका बी आर. ये मेजर है, ऑर्थो पे भी लगेगा, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा. तो ये हो किस लिए पा रहा है, विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन होती है, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया ये चीज. तो बिना कैटलिस्ट के हो रहा है क्यों, क्योंकि आपकी बेंजीन रिंग का क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है भाई. मिथॉक्सी ग्रुप, ये जो ओ सी एच थ्री ग्रुप है ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये एक्टिवेट करेगा रिंग को, लोन पेयर देगा इस रिंग के ऊपर. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है. बुक के अंदर दिया है आपका एज इट इज. नेक्स्ट देखिए, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ. एक ग्राफ है ये, इसके अंदर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है ये पूछा जा रहा है. तो देखिए स्कैंडियम से स्टार्ट है, जिंक तक ये जा रहा है, ठीक है. और यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से मूव कर रहा है आपका, डिक्रीज डिक्रीज, और सिर्फ जिंक के लिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया थोड़ा सा, बस लास्ट में जाके ओवरऑल जो ग्राफ है ये आपका डिक्रीज कर रहा है. तो डिक्रीज क्या करेगा आपका, इस तरफ मूव करने पे, पीरियडिक टेबल में इस तरफ मूव करने पे एटॉमिक रेडियाई, ठीक है. अब यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो आपका जैसे 4s का जो इलेक्ट्रॉन है जिंक के अंदर, क्योंकि जिंक के लिए जाते हुए इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका लेस आपका फील करता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो उतना नहीं लगता इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है. तो एटॉमिक रेडियस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डिक्रीज वाला ही रहता है. तो ये क्या इसका ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का है, डिपेंड करता है देखिए किस चीज का पूछा है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक. इसके बाद में फॉर विजुअली चैलेंज लर्नर्स यहाँ पे है आपका दोबारा से क्वेश्चन नंबर 12. एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक को नहीं करते कंसिडर. अगला देखो उसके अंदर है, आपको यहाँ पे अजर्शन और रीजन दे रहे हैं, और आपसे कहा है अजर्शन के अंदर एल्कोहल रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह, बॉन्ड बिटवीन सीओ इज ब्रोकन एंड एल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. तो इसका हो जाएगा बी, इसका नहीं, इसका हो जाएगा आपका सी. ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ठीक है. ये मैंने बोथ नहीं देखा यहाँ पे, यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है कि आपका अजर्शन तो सही है, रीजन गलत दिया हुआ है इसके अंदर. अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक थी होती तो हम यहाँ पे इस तरीके से टिक कर देते कि ए भी सही है बी भी सही है और आर एक रीजन है या फिर नहीं है, तो उस हिसाब से हम टिक करते हैं. अब यहाँ पे अगला जो 14 दिया है ये है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टाउलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड. इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन टू एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट्स. ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन आर एक रीजन नहीं है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है. इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है आपका एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सब्सट्रेट. ठीक है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, ये भी ठीक है. तो बायो कैटलिस्ट है ये, और कोई रीजन नहीं है इस चीज का, तो इसीलिए ए और आर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पार्ट के लिए. नेक्स्ट जो आपको दिया है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड. अच्छा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ. अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होती है. अब ये इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2+ टू कॉपर जो है वो ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन वाले से, इसीलिए वो रिलीज होती है कैथोड के ऊपर. तो यहाँ पे आपको बताना है कि रीजन और दर्शन क्या है. तो यहाँ पे आपका ये गलत है,
इसमें डी मैंने टिक कर दिया है, यहाँ पे आपका ये गलत है अजर्शन, लेकिन रीजन आपका सही है इसके अंदर, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि आप इंडिविजुअल अगर स्टेटमेंट को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज मच ग्रेटर देन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिसका आपका ज्यादा है वही आपका रिड्यूस होना चाहिए, तो कॉपर कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, तो हाइड्रोजन नहीं लिबरेट होगी यहाँ पे कैथोड पर, कॉपर का डिपोजिशन होगा, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगर यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होता तो वो ठीक हो जाता, तो यहाँ पे इस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो यही हमारे 16 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, इससे आगे का ये सेक्शन भी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।